जहां जिले से लेकर पूरे भारत में आज हनुमान जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं खानपुर क्षेत्र स्थित गांव गादारोना सिद्धपीठ श्री हनुमान बालाजी जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर हनुमान भक्ति का गुणगान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन यज्ञ में आहुति देकर किया गया। हनुमान जी के दर्शन के लिए हजारों संख्या में पहुंचे श्रद्धालु सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही पुलिस और मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। मंदिर परिसर में हनुमान भजनों पर झूमते नजर आए, साथ ही जयकारों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। दोपहर को विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। मंदिर के ट्रस्टी नेहा पुनिया ने कहा कि निर्बल और कायर व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, साधक में बुद्धि विचार शक्ति होनी चाहिए, विद्यावान व्यक्ति ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि हनुमान का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और जो श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर बालाजी के द्वार आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। से भी आते हैं जाते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वैसे तो कल से शुरू हुआ था, रामनवमी में भी यहाँ पे आयोजन किया गया था। कल बालाजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे शोभा यात्रा जो कि वर्षों से चलती आ रही है, कई वर्ष की भांति इस बार भी कल काफ़ी अच्छी शोभा यात्रा संपूर्ण हुई और जो कि यहीं के गाँव से होकर के निकली थी वो संपूर्ण हुई। और उसके बाद यहाँ पे भंडारे का आयोजन था जो कि मंदिर की कमेटी द्वारा ही किया गया। और आज सुबह से ही यहाँ पे जो है हवन हुआ, सुंदर कांड हुआ। अभी यहाँ पे आरती के बाद अब भोग लगा है, अब यहाँ पे भंडारा शुरू हो गया है। और भंडारा आज यहाँ पे काफ़ी सारे भंडारे हैं जो कि भक्तगणों के द्वारा ही चल रहे हैं। और बाकी यहाँ पे जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन आप देख सकते हो, और वो सुबह से लगे हुए हैं और वो एक्चुअली कल भी थे, सुबह से लगे हुए हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ सब बखूबी कर रहे हैं क्योंकि ये किसी का पर्सनल काम नहीं है, यह कार्य खुद बालाजी का है। तो हम केवल सेवा ही करने वाले लोग हैं और जैसी आज्ञा होती है, जैसे जैसे समय को हम परिस्थितियों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं और इस कार्य को संपूर्ण बना लेते हैं, बिल्कुल करना चाहेंगे और वो कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे कोई धक्का मुक्की, जबकि देहात से आते हैं यहाँ पे लोग, पर उसके बावजूद भी आपने व्यवस्था देखी होगी, कोई भी इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पे जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से खुद ही चल रही है क्योंकि सबका विश्वास स्वयं बालाजी के ऊपर है और सारे काम वो खुद ही यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कोई पर्सनल, यहाँ पे पंडित जी द्वारा कोई चौकी नहीं लगाई जाती। यहाँ पे जितने संकट काटे जाते हैं वो स्वयं बालाजी के द्वारा ही काटे जाते हैं और इसीलिए भक्तगणों का जो यहाँ पे ये आप जो व्यवस्था और जो ये भीड़ देख रहे हो, जिसको हम एक्चुअली भीड़ कहना भी नहीं चाहिए, ये जो भक्तगण हैं ये एक्चुअली खुद ही उस चीज़ को कभी भी व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देते।